हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर, जहां मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत देश विविधताओं से भरा देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। अब यहाँ अलग अलग रिलीजन्स के लोग होने के कारण त्यौहार भी कई तरह के हैं। यहाँ तक कि साल का कोई महीना ऐसा नहीं है जिस महीने में कोई फेस्टिवल ना हो। सभी रिलीजन्स के लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग डेट्स पर अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जिन्हें पूरे वर्ल्ड में एक ही डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से एक है न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जो 31 दिसंबर के मिडनाइट से मनाया जाता है। दूसरे नंबर पर है क्रिसमस डे, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पर जो फेस्टिवल आता है, जिसे पूरी दुनिया के ज़्यादातर लोगों द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, वो है वैलेंटाइंस डे, जो 14 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वैलेंटाइंस डे को हम सभी लव डे के रूप में जानते हैं। वैलेंटाइंस डे एवरी ईयर 14 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि यूरोपीय देशों से शुरू हुआ। लेकिन आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैलेंटाइन डे की स्टोरी प्यार भरी नहीं है। आज की वीडियो में हम वैलेंटाइंस डे के पीछे की स्टोरी और इसके इतिहास को जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले स्टार्ट द वीडियो। ये स्टोरी रोम के 3rd सेंचुरी, साल करीब 270 एडी के आसपास की है, जिसमें रोम के किंग क्लोडियस द्वितीय ने एक संत को फांसी की सजा दी थी, जिसका नाम था संत वैलेंटाइन। संत वैलेंटाइन एक कृपालु संत थे, वहीं दूसरी तरफ किंग क्लोडियस एक अत्याचारी राजा था। किंग क्लोडियस का मानना था कि एक ऐसा सिपाही जिसकी फैमिली और बच्चे हैं, वो अपना पूरा ध्यान किसी युद्ध में नहीं लगा सकता है। उसे यह डर हमेशा सताता रहता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी फैमिली और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। उसका कहना था कि उसके राज्य के सिपाही अपनी फैमिली और बच्चों में व्यस्त रहने के कारण अपना पूरा फोकस राज्य की सुरक्षा में नहीं दे पाते हैं। इसलिए किंग क्लोडियस ने ये नियम बनाए कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा, और जो उसकी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। राजा के इस डिसीजन से सभी सिपाही दुखी थे, लेकिन कोई भी राजा के डर से उसके इस डिसीजन के अगेंस्ट नहीं गया। लेकिन रोम के संत वैलेंटाइन को ये नाइंसाफी मंजूर नहीं थी। उसने सिपाहियों की मदद करने की सोची, और जो सिपाही शादी करना चाहता था, संत वैलेंटाइन उनकी शादियाँ चुपके से करवा देता था। संत वैलेंटाइन के इस काम का पता जब राजा क्लोडियस को हो गया, तो उसने राजा की बात न मानने के जुर्म में संत वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया और उसे फांसी की सजा सुना दी। संत वैलेंटाइन एक नेक दिल और कृपालु संत होने के साथ साथ चिकित्सा और उपचार के क्षेत्र में भी उन्हें नॉलेज थी। अपने चिकित्सक अध्ययन और ज्ञान के बल पर वे लोगों को बड़े बड़े रोगों से मुक्त कर देता था। जिस जेल में संत वैलेंटाइन थे, उस जेल के जेलर, जिसका नाम था एस्टेरियस, को सेंट वैलेंटाइन के चिकित्सा के ज्ञान का जब पता चला, तो जेलर ने अपनी बेटी जो अंधी थी उसके इलाज के लिए सेंट वैलेंटाइन से विनती की। सेंट वैलेंटाइन एक नेक दिल इंसान था। उन्होंने बहुत से लोगों के बड़ी बड़ी बीमारियों को अपने इलाज से ठीक किया था। सेंट वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी की आंखों का भी इलाज कर उसे ठीक कर दिया। लोगों का ऐसा कहना है कि जेलर की बेटी ठीक होने के बाद अक्सर जेल में सेंट वैलेंटाइन से मिलने आने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई और इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। संत वैलेंटाइन के फांसी की बात से जेलर की बेटी भी सदमे में रहने लगी, और आखिरकार 14 फरवरी का दिन आ गया, जिस दिन संत वैलेंटाइन को फांसी होने वाली थी। संत वैलेंटाइन ने जेलर से पेन और पेपर मांगा और जेलर की बेटी के नाम अलविदा संदेश लिखा, और लास्ट में उसने फ्रॉम योर वैलेंटाइन लिखा। ये वही शब्द है जो आज भी लोग लिखते हैं और बोलते हैं। कहा जाता है कि संत वैलेंटाइन के बलिदान को याद करते हुए ही 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे प्यार और स्नेह की परिभाषा है, लेकिन ये प्यार और स्नेह केवल लवर्स के बीच नहीं, बल्कि हर उस रिश्ते और इंसान के प्रति होनी चाहिए जिसकी आप केयर करते हैं, जिसकी खुशी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये प्यार पेरेंट्स और बच्चों के बीच, भाई बहन के बीच, माँ बेटी के बीच, दोस्तों के बीच, एक डॉक्टर का अपने मरीज के लिए भी प्यार हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर को हमेशा अपने पेशेंट की परवाह होती है। डॉक्टर के प्रेयर में भी मरीज के ठीक होने की प्रार्थना शामिल रहती है। वैलेंटाइन का सही मीनिंग यही है। एक माँ अपनी बेटी की वैलेंटाइन हो सकती है, एक बेटा अपने माँ बाप का वैलेंटाइन हो सकता है, इसी तरह भाई अपनी बहन और बहन अपने भाई का वैलेंटाइन हो सकता है। फ्रेंड्स, तो ये थी वैलेंटाइंस डे के पीछे की रियल स्टोरी।
आप सभी को जस्ट वॉच चैनल की तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।